कई लोग कहते महाराज मानस का पढ़ने का नियम क्या है, हम कहते जितना तुम्हें समझ आ रहा उतना पढ़ो, एक चौपाई दो चौपाई, पर हर हिंदू को प्रतिदिन पांच चौपाई जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ कुछ भी बिगड़ जाए पर चौपाइयां जरूर पढ़े रामायण की। राम कथा पढ़ने वाला विद्यार्थी अथवा व्यक्ति कभी भी किसी से भी वाक्य वार्ता में हारता नहीं है जो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करता है। हाँ कभी नहीं हारता, ऐसी रामायण की महिमा ही है। गोस्वामी जी ने दिव्य वंदना, तब तो पूरी रामचरितमानस में कई लोगों ने ना जाने क्या क्या तर्क नहीं किया, जब रामायण लग गई तो विद्वानों ने इसको निष्कासित कर दिया, हम नहीं मानेंगे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने समझाया नहीं मानो, जब नहीं माने तो साक्षात शंकर जी को प्रकट होकर के लिखना पड़ा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, ये हम प्रमाण सहित कह रहे हैं। तब लोगों ने रामचरितमानस को माना, विद्वानों ने रामचरितमानस को माना। एक बात और, जीवन में जिसके राम कथा आ जाती है, राम कथा बसंत ले आती है। जिस दिन से व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर देता है उसका मन मुस्कुराने लगता है, सभी प्रश्नों का हल है रामायण, हर जीवन का कल है रामायण में, राम की मर्यादा का पल पल है रामायण में, सभी प्रश्नों का हल है रामायण। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका हल रामायण में ना हो, ऐसी कौन सी चौपाई है जिसमें राम ना हो, पल पल में रामायण है। और साधु रामचरितमानस की प्रारंभ बड़ी अद्भुत से होती है, और जहां पर रामायण में एक बार आया वहां विशेष कथा का वर्णन आया है।